हर हर महादेव मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका हम सफ़र संतोष रेणु यादव। और अभी मैं तूफानी लाल यादव जी के कुछ हॉस्पिटल के काम से ही अभी मैं कुछ बाहर आया हुआ हूँ, दिल्ली में ही। और आप सबों को ये जानकारी भी दिया कि तूफानी लाल यादव जी की आज एक सफल ऑपरेशन हुई। और दूसरी, आप सबों को ये भी जानकारी दे दूं, और ये जानकारी देते हुए खुशी मिल रही है कि बड़े भैया भोजपुरी के सुपरस्टार और हम सब के गार्जियन, बहुत दिनों से ये क्वेश्चंस आप लोग भी पूछ रहे थे और हम बता नहीं पा रहे थे, तो आज उस क्वेश्चन का, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ। और वो जवाब ये है कि बड़े भैया पवन सिंह जी आज खुद फ़ोन करके, अभी जस्ट फ़ोन करके, और तुम्हारी लाल जी के तबीयत के बारे में और ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। एक्चुअली वो व्यस्त थे, कहीं बाहर वो भी निकले हुए थे, तो अभी दीपक भैया के थ्रू उनका कॉल आया और बात करके, और उन्होंने काफ़ी सहानुभूति भी जताई, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सहयोग का भी भरोसा दिया उन्होंने। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बाबू, जो भी है आपको पता है कि हम कुछ खुल करके नहीं बताते हैं कि हम कितना सहयोग करेंगे, लेकिन ये हम आपको वादा देते हैं या आपको भरोसा दिलाते हैं कि एक बहुत बड़ी सहायता हमारे तरफ से की जाएगी। और ये तब तक की जाएगी जब तक कि तूफानी जी मैक्स हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के वापस नहीं आ जाते हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और हम हर पल हर कदम तूफानी जी के साथ हैं। आपको जब भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो, आप खुल करके आप ये चीज़ बताइएगा। और तूफानी जी के बारे में उन्होंने काफ़ी दुआएं दी और काफ़ी आशीर्वाद दिया, तो चलिए इस लाइव के माध्यम से आप सबों को ये भी जानकारी मिल गई, तो दिल से थैंक यू और दिल से शुक्रिया बड़े भैया पवन सिंह जी का और उनके पूरे टीम का कि आपने इस मुसीबत की घड़ी में आपने अपने परिवार का एक सदस्य, अपने भोजपुरी परिवार का एक सदस्य तूफानी लाल यादव जी को इतना बड़ा मदद देने का वादा किया, भरोसा दिया, और कम से कम एक बहुत बड़ी चीज़ की आपने शुभकामना दिया और दुआएं दी। लव यू पवन भैया, दिल से शुक्रिया आपको, लव यू, थैंक्स। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आप सबों को आपका भाई संतोष रेणु यादव की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और आप सबों के दुआओं के बदौलत आज एक बहुत ही सुखद समाचार सुनाने का वक्त है, और बहुत दिन के बाद एक सुखद समाचार सुना रहे हैं। हम सब के भाई, हम सब के दोस्त तूफानी लाल यादव जी का जो आज ऑपरेशन था, पहला ऑपरेशन जो कि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था, जिसमें डॉक्टर बहुत डरे हुए थे, डॉक्टर भी बहुत काफ़ी सावधानी पूर्वक कदम उठा रहे थे, तो सबसे खुशी की बात यह है कि आज का जो ऑपरेशन है वो लगातार सुबह 7:30 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हुई, और अभी जो न्यूज डॉक्टरों ने दिया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। और हालांकि मशक्क़त काफ़ी करनी पड़ी है, आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 4-5 घंटा के आसपास का ऑपरेशन चला, और डॉक्टरों की एक टीम थी जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स मिल करके एक टीम बनाए थे, हॉस्पिटल ने एक टीम बनाई थी इस ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उनके पेट में जो भी गंदगी थी, उस सारी गंदगी को धो करके बाहर निकाला गया है, और काफ़ी हम लोगों के लिए राहत की बात है, बहुत ही राहत की बात है। और बस ये सारा का सारा जो भी कुछ हुआ, ये आप सब की दुआओं के बदौलत हुआ,
और हम थैंक्स कहना चाहेंगे मैक्स हॉस्पिटल को, थैंक्स कहना चाहेंगे भोजपुरी के उन सभी शुभचिंतकों का, थैंक्स करना चाहेंगे हम भोजपुरी इंडस्ट्री का, और जितने भी लोग जो उनके लिए चाहे किसी भी प्रकार की सहायता किए, चाहे वो आर्थिक सहायता किए या वो नैतिक सहायता किए, उन सभी लोगों का हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी खबर हम सब के बीच निकल कर के आई है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। अभी हालांकि उनकी जो स्थिति, जो वर्तमान स्थिति यह है कि उन्हें वेंट पे रखा जा रहा है, तो स्थिति तो खतरे से बाहर अभी नहीं कह सकते अगले 48 घंटे तक, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा है, उनका ऑपरेशन सफल रहा। और जो डर का जो बात था, जो अंदर जो जो बात सता रही थी, जो शंका सता रही थी, वो आप भी समझ रहे होंगे, आपका भी फोन आ रहा था बार बार, तो वो डर का जो माहौल है कुछ कम हुआ है। और बस आप लोग यूं ही दुआ करते रहिए, और इस ऑपरेशन के पीछे और भी बहुत लोगों का योगदान है, कुछ जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका भी बहुत लोगों का योगदान है, हालांकि अभी हम उनका नाम अभी नहीं लेना चाहेंगे। जब भी ये वक्त धीरे धीरे, जब तूफानी लाल यादव जी, हम चाहेंगे कि इस बात को अभी हम खुद न कह करके तूफानी लाल यादव जी जब खुद बेड से उठेंगे, जब खुद नॉर्मल होंगे, उन्हें भी हम बहुत जल्द हो सकता है कि लाइव में लाने की कोशिश करेंगे। बस सबसे बड़ी बात है कि अगले 48 घंटे तक दुआओं का जो दौर है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि अभी वो वेंटिलेटर पे रखे गए हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, सबसे बड़ी राहत की बात है, लेकिन अभी वो वेंटिलेटर पे रखे गए हैं। और बस दुआ कीजिए, जितने भी लोगों ने सहयोग किया है, दिल से आप सबों को सलाम, चूँकि तूफान लाल यादव, आप सबों के दुआओं के बदौलत, आप सबों के सहयोग के बदौलत आज फिर से धीरे 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 वापस आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और क्या हम कहें, लव यू आप सबों को, चाहे वो जो लोग हों, चाहे वो पटना में मदद करने वाले लोग हों या दिल्ली में मदद करने वाले लोग हों, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों। अभी अभी एबीपी न्यूज़ का भी फ़ोन अभी आया हुआ था, तो बहुत सारे न्यूज़ वाले भी, जी न्यूज़ भी संपर्क किए, तो बहुत सारे न्यूज़ वाले का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, कि चूँकि उन लोगों ने भी मिल करके इस मामले को इतना गंभीरता से लिया। हम पूरी डॉक्टर की टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, पूरे मैक्स हॉस्पिटल को, मैक्स परिवार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हम सब के दोस्त, हम सब के दुलारे, हम सब के प्यारे तूफान लाल यादव जी के लिए इतना सोचा, डॉक्टरों की टीम गठित की, पूरी भोजपुरी ऑडियंस को या जितने भी जो भी लोग इनके लिए दुआ किए हैं, उन सभी लोगों का हम दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे, दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे, कि चूँकि आप सबकी बदौलत, आपका तूफान लाल यादव आज धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम बढ़ाता हुआ ही सही, ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है। अगले 48 घंटा तक दुआओं का दौर जारी रहना चाहिए, चूँकि अभी वेंटिलेटर को उनको रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह कि तूफान लाल यादव जी की पहली ऑपरेशन सफल हो गई है, उनके जो पेट के अंदर जो मवाद जो भरा हुआ था, उस मवाद को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में वो मवाद निकली है, डॉक्टर ने राहत की सांस ली है। अगला जो ऑपरेशन का जो डेट होगा वो जल्द ही डॉक्टर लोग हमको बताएंगे, और उसके बाद हम आप सबों को बताएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, तूफानी लाल यादव जी की पहली ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गई है। इस लाइव को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग उनके शुभचिंतक हैं, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग, करोड़ों की संख्या में दुआएं हुई है उनके लिए, जितने भी लोग, ये मैं समझ सकता हूँ कितना कॉल्स आता है, जितने भी लोग उनके चाहने वाले हैं या जितने भी लोग
ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समाचार है क्या नहीं है, तो बस उन तक ये खबर पहुंचा दीजिए। और सबसे बड़ी हम थैंक्स कहना चाहेंगे आप सबों का कि भाई लाल यादव जी का जो 1 मिनट 5 सेकंड का जो वीडियो मैंने बनाया था, चूँकि मुझे वो ज़रूरी लग रहा था कि भाई लाल यादव जी खुद सामने आकर के अपनी जो परेशानी है वो लोगों से कहें, और तब जा कर के वो मैंने 1 मिनट 5 सेकंड का वीडियो बनाया था, और वीडियो बना करके हमने उसको आप सबों के बीच बांटा और खुद अपने पेज पे भी डाला। उस वीडियो को आप लोगों ने इतना शेयर किया, उस वीडियो को 19,000 से ऊपर लोगों ने शेयर किया है, उस वीडियो को लगभग लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। ये बहुत बड़ी चीज़ रही, चूँकि हम कल एक जगह गए हुए थे, पॉलिटिकल ही वो लोग थे जिनके पास हम गए हुए थे, वो लोग पहले से उस वीडियो को देख रहे थे और भाई लाल यादव जी के स्वास्थ्य पे पहले से ही ध्यान दे रहे थे। तो ये आप सबों की दुआएं हैं, आप सबों का अथक प्रयास है, ये आप सबों की देन है कि आपका भाई लाल यादव, हम सबका भाई लाल यादव फिर से एक एक कदम ही करते हुए सही, लेकिन हम सबके बीच वापस आ रहे हैं। बस हम लोग यूं ही दुआ करते रहें, चूँकि हम सब की दुआएं ही उन दवाओं से ज़्यादा काम कर रही है। जिस कंडीशन में भाई लाल यादव को लाया गया था यहाँ पे, या जिस कंडीशन में यहाँ पे आ गए थे, जिस कंडीशन में हो गए थे, उस कंडीशन से वापस आना बहुत ही रेयर होता है। 100 में 2 से 3 केस ऐसा होता है जो कि रिकवर हो पाते हैं। इस बीच हमारे भाई लाल यादव हम सब के बीच आ गए हैं, ऑपरेशन पहली ऑपरेशन को सफल करके, बहुत बड़ी खबर है, दिल गदगद है। बस यही कि दुआओं का दौर जारी रहना चाहिए, बस बार बार हम यही बात कर रहे हैं, चूँकि अभी उनको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। बस आप लोग यूँ ही प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए। लव यू, आप सबों को दिल से सलाम, बार बार प्रणाम और थैंक्स। जितने भी श्रोता हैं, थैंक्स भोजपुरी इंडस्ट्री को, थैंक्स मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, थैंक्स मीडिया भाइयों को, और जितने भी लोग, चाहे वो आर्थिक सहयोग किए हों, नैतिक सहयोग किए हों, जितने भी लोग हैं, चाहे वो इस इंडस्ट्री से हों, चाहे वो पॉलिटिकल विंग से हों, जितने भी लोग हैं, उन सबों को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम, लव यू आप सबों को। जय हो, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो।